अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रहीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी एम ट्यूब। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फ़ोटो एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप सिर्फ एक क्लिक पर अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल आसान फ़ोटो एडिटर है जो कि कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है। दोस्तों इस ऐप का नाम है पेबी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ। पहले बार ओपन करने के बाद आपके सामने कैमरा आ जाएगा, तो आपने अगर डायरेक्ट फ़ोटो लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आप गैलरी से कोई फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहां पर क्लिक करना है, तो मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, तो आपने यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों फ़ोटो में आप देख सकते हैं पीछे एक दीवार है और नीचे ब्लॉक लगे हुए हैं, तो इसके बाद आपने यहाँ सिंपली क्रॉप पर क्लिक कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने बस थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल DSLR के फ़ोटो की तरह बन चुका है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और फ़ोटो जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अगर आपने इसी तरह रखना है तो आपने डायरेक्ट सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक करना है। अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो नीचे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब यहाँ आई एम लकी पर क्लिक करके आप कुछ इस तरफ से आएगा, तो आप इस तरह से भी बिल्कुल ज़बरदस्त बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मतलब अपना कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ नीचे पर कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है चूज़ बैकग्राउंड, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास है डाउनलोड फोल्डर, इससे मैं यहाँ एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक करना है। दोस्तों ये बहुत ही ईजी और आसान सा तरीका है, आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जी एम ट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।